एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज ही नया योजना लॉन्च करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, सुभद्रा योजना लॉन्च करने का काम किया। 10 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त 50,000 रुपये का ट्रांसफर किया। दूसरा आज जो है सुभद्रा योजना को लॉन्च करने का काम किया। आज कल का जितना भी अखबार आएगा पहले पेज पे सुभद्रा आपको छपा हुआ दिखेगा। सुभद्रा योजना क्या है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, इसकी योग्यता, इसकी प्रक्रिया सारा A to Z, कौन कौन इसके अंदर जो है एलिजिबल है, किस किस को ये पैसा मिलेगा, सालाना 10,000 रुपये, इसमें दो किस्तों में 5,000 रुपये डालने का काम केंद्र सरकार, ये जो सरकार है वो करेगी, ठीक है। इसके अलावा भाई 5 साल में 50,000 रुपये सुभद्रा योजना के तहत आपको दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा पूरी जानकारी देते हैं। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटे बड़े आदेशों, नए नियमों, योजनाओं बदलाव हो, कोई घोषणा हो, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, दिखाता हिम्मत प्रेरणा देता है, ठीक है, और जो देंगे सटीक देंगे, विश्वसनीय देंगे। 17 सितंबर, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने दी सुभद्रा योजना की सौगात, महिलाओं को हर साल पैसे इसके अंदर मिलेंगे। पीएम मोदी ने किया सुभद्रा योजना का शुभारंभ, ये आप मेरी स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुभद्रा योजना को लॉन्चिंग के दौरान ये बटन दबाकर उन्होंने जो है इस योजना को लॉन्च करने का काम किया है। सुभद्रा योजना देखो महिलाओं बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा टारगेट, एक बहुत बड़ा वर्ग, एक वोटर जो है निकलकर महिलाएं सामने आई हैं। शिवराज सिंह चौहान की एक योजना थी लाडली बहना योजना, उसमें प्रत्येक महीने जो है पैसा डालने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार करी, और MP में चाहे शिवराज को इन्होंने सीएम नहीं बनाया, यादव मोहन को बना दिया सीएम, लेकिन बड़ा योगदान उस योजना को देता है जिन्होंने जो है वन साइड क्लीन स्वीप जो है BJP को कराने का काम MP के अंदर किया। उसी स्कीम को फॉलो केजरीवाल ने दिल्ली में किया, हिमाचल में कांग्रेस ने किया, उसी स्कीम को महतारी वंदन योजना के नाम से छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। अब जो हर महीने जो है पैसा डालना महिलाओं के खाते में, यो स्त्रियां की जो स्कीम जो है जो अब महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वर्ग जो है निकलकर सामने आया है, ठीक है। तो आज सुभद्रा जो योजना है ये महिलाओं के लिए योजना है, ठीक है, सुभद्रा योजना, और ये पूरे देश के अंदर लॉन्च होना है, ये पूरे देश के अंदर लॉन्च होना है भाई। ये अब सुभद्रा योजना, इसके अंदर भाई 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ये दो किस्तों में 5,000 रुपये इस योजना के तहत जो है दिए जाएंगे। ये जो योजना है महिलाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू किया गया है। ये जो है साथियों, ये जो योजना है भाई, ये योजना 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के भुवनेश्वर में ये महिलाओं के लिए एक खास योजना शुरू की गई है जिसका नाम सुभद्रा रखा गया है। दो किस्तों में महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे। इसमें सबसे पहली कंडीशन है, ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल से कम की महिला इसका फॉर्म नहीं भर सकती, 21 साल की जिनकी उम्र से कम है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो जो है अविवाहित है, चाहे विवाहित है, ठीक है, उम्र 21 से ऊपर होनी चाहिए, 21 या 21 से ऊपर, ठीक है, और 60 साल से अधिक की महिलाओं को नहीं मिलेगा। 21 साल से 60 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उन सभी को इस योजना का पैसा दिया जाएगा। 55,825 करोड़ रुपया इसमें जो है वो किया गया है। अब देखो मध्य प्रदेश में लाडली बहना है या महतारी वंदन योजना है, भिन्न भिन्न जो योजना चल रही है सरकारों की महिलाओं के लिए, वो हर महीने पहली तारीख को किस्त डालते हैं, जबकि इस योजना में क्या होगा, सालाना 10,000 मिलेगा लेकिन हर महीने पैसा नहीं डलेगा। जिस तरह जो है 6,000 रुपये पीएम किसान का मिलता है, ठीक है, वो 12 महीने का 6,000 मिलता है, अब उसको 500 रुपये महीने थोड़ी ना डालता है मोदी, उसको तो कट्ठा ही पैसा डलता है तीन किस्तों में, तो इसी तरह ये 10,000 रुपये दो किस्तों में डलेगा। लेकिन क्या ये पूरे देश भर की महिलाओं के लिए है, तो मैं इसका जवाब है नहीं नहीं नहीं, ये उड़ीसा की महिला बहन बेटियों के लिए योजना शुरू किया गया है, मोदी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। क्या इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, तो इसका जवाब हाँ है, आगामी कुछ महीने के अंदर अंदर इसे आप पूरे देश के अंदर लागू होते हुए दिखाई दोगे। अब फिलहाल ये जो है सुभद्रा योजना अब फिलहाल महिलाओं के लिए, उड़ीसा की महिलाओं के लिए है। सबसे पहले आधार कार्ड एक कागज, नंबर दो फोटो, ठीक है, कागज देख लो, नंबर तीन आवेदक की उम्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म नहीं है तो भाई आधार कार्ड पर उम्र होता है, ठीक है, बैंक खाता जिसमें आपका पैसा डलेगा सीधा,
पता प्रमाण पत्र, चाहे राशन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो जिसमें आपका एड्रेस लिख रहा हो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र यदि है तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। उड़ीसा के जो है निवास, उड़ीसा के निवास यानी जो है एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, जो उड़ीसा की निवासी महिलाएं बहन बेटी हैं वही इस योजना का लाभ ले पाएंगी, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल पता, ये सबके पास ये सारे कागज होते हैं, ठीक है साथियों। ये जो ज़्यादा लंबा थोड़ा कागज नहीं है। अब कौन महिला इसका लाभ नहीं ले सकती, तो जो इनकम टैक्स भरती है वो महिला इसका योजना का लाभ नहीं ले सकती। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिकों से हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, जरूर जुड़े। अगर आपको किसी योजना के तहत 1500 रुपये महीना या सालाना 18,000 से ज़्यादा पेंशन मिलता है तो इस योजना का लाभ वो महिला नहीं ले सकती, ठीक है। यदि आपको किसी स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। अगर कोई महिला पूर्व में या वर्तमान में उड़ीसा के अंदर जिला पंचायत सरपंच रही है या जिला परिषद रही है या सांसद रही है या विधायक रही है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती, ठीक है साथियों। इसके अलावा वार्ड सदस्य पार्षद को छोड़कर जो वो इसका लाभ नहीं ले सकती। इस योजना के लिए कोई भी उड़ीसा की मूल निवासी महिला अप्लाई कर सकती है, ठीक है। इनकम 2.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए, 21 साल से अधिक और 60 साल से कम की योजना इसके अंदर वो कर सकती है। भाई भाई इससे दो तरीके से फॉर्म है, एक तो आप आंगनवाड़ी केंद्र उड़ीसा के जितने भी वहाँ से भर सकते हो, सरल केंद्र से भर सकते हो, ठीक है। एक ऑनलाइन इसका तरीका है, ठीक है। ऑनलाइन जो लिंक है, ऑनलाइन लिंक भी इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है, udisasubhadra.odisha.gov.in पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होता तो मैं इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर के दिखाता स्टेप बाय स्टेप। अब ये उड़ीसा के लिए है तो मुझे नहीं लगता इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर के दिखाने की जरूरत। बाकी योजना इसको लेकर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, इसलिए इसका पूरा जानकारी देने का काम हमने किया है। झूठ कभी जीवन में नहीं बोलेंगे। सुभद्रा योजना ओनली उड़ीसा के लिए है तो उड़ीसा के लिए है। आज मोदी ने इसे लॉन्च किया है तो लॉन्च किया है, जो देंगे सटीक विश्वसनीय देंगे। एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील करते हैं, एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक होता है प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।